जय श्री कृष्णा मित्रों, आज आपके साथ मैं अध्याय 11 यूनिवर्सल फॉर्म विराट रूप का टेक्स्ट 1 शेयर करना चाहूंगा। अर्जुन सेड, बाय माय हियरिंग द इंस्ट्रक्शंस यू हैव काइंडली गिवन मी अबाउट दीज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स, माय इल्यूजन हैज नाउ बीन डिस्पेल्ड। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे श्री अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि भाई, आपने जो इतनी कॉन्फिडेंशियल बातें, इतनी एलिवेटेड स्पिरिचुअल नॉलेज, इतना ज़बरदस्त डिवाइन नॉलेज, इतनी ज़बरदस्त दिव्य ज्ञान मुझे दिया है, उसकी बदौलत, उसकी कृपा से मेरी ज़िंदगी के सारे डाउट्स, सारे के सारे फ्रस्ट्रेशंस, कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई हैं और उनको अब एक क्लैरिटी आ गई है कि क्या करना है उनको कुरुक्षेत्र में। तो फ्रेंड्स, हमें हर एक अध्याय जो है भगवद्गीता का, उसको एक साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन देखना चाहिए कि किसी डिवोटी की स्टेज बेटर होती जा रही है, परफेक्शन की तरफ जा रहा है वो। तो यही अगर आप अर्जुन को याद करें चैप्टर 1 में, तो उनकी मानसिक स्थिति कैसी थी, और चैप्टर 11 तक आते आते अब ये मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन से आगे की स्टेजेस हैं, जहाँ पे बिल्कुल ही कन्फ्यूजन्स जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, स्पष्ट रूप से दिखना शुरू हो गया कि उनको क्या करना चाहिए लाइफ में और क्या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उससे ये भी समझना चाहिए कि कभी भी ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि डिवोशन करने की शुरुआत में ही सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि फिर हम रास्ता ही नहीं पकड़ेंगे अगर कन्फ्यूजन्स क्लियर नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे अर्जुन ने किया, दैट वाज आइडियल, उनको क्लैरिटी नहीं थी, उन्होंने भगवान की शरण लेने की कोशिश की, इंस्ट्रक्शंस लेना शुरू कर दी, सुनते गए, तो अब जाके उनकी सारी की सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो गई हैं और उनका मोह खत्म हो गया है और अब उनको एक्चुअली दिख रहा है कि उनकी ड्यूटी क्या है और क्या नहीं है। वैसे ही लाइफ में हम लोग भी कन्फ्यूज रहते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी में जितना जितना समझ आ जाता है कि भाई चैंटिंग करनी चाहिए या कर्म करके फलों की इच्छा का त्याग करना चाहिए, जितना भी परसेंटेज में हम वो कर पा रहे हैं वो हमें एक्सेप्ट करते चलना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। जितना जितना हम अपनी ज़िंदगी में उतारते चलेंगे, आगे के स्टेप्स अपने आप दिखना शुरू हो जाएंगे। और ये तो काफ़ी हायर स्टेज है, अगर हम इसकी तरफ थोड़ा थोड़ा भी बढ़ते रहें, इवन देन वी आर सक्सेसफुल। फ्रेंड्स, ज़िंदगी में हर बंदा हैप्पीनेस चाहता है, लेकिन अगर माइंड में कन्फ्यूजन्स ही चलती रही, हमारे अंदरूनी कुरुक्षेत्र के अंदर कौरव और पांडव का झगड़ा चलता रहा नेगेटिविटीज़ और पॉजिटिविटीज़ में, तो क्या सच में हम हैप्पी रह सकते हैं? तो कन्फ्यूजन से बाहर निकलना, प्योरिटी की तरफ जाना, इज एक्चुअली द ट्रू वे टू बी हैप्पी। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्णा।